नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो राजस्थान में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में 269 सेंटर पर 1,00,000 स्टूडेंट ने दी परीक्षा। गैजेट्स, घड़ी और ज्वेलरी पर रही पाबंदी, लेकिन कुछ सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं हुई पालना। राजस्थान में मौत के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। एक्सीडेंट के मामलों में राजस्थान चौथे नंबर पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गहलोत ने की गई नई पहल। विख्यात चिकित्सकों के साथ ओपन प्लेटफॉर्म पर कोरोना बचाव की चर्चा। 15 सितंबर को होगा कोरोना जागरूकता संवाद। अब खबरें विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रविवार को मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट 2020 कराया जा रहा है। देश में 3,863 सेंटर पर ये पेपर पेन ब्रेस्ट एग्जाम हो रहा है। स्टूडेंट को कोरोना फ्री होने का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सेंटर पर देना होगा। राजस्थान में 269 सेंटर पर 1.8 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। दोपहर 2 बजे शुरू हो गई जो शाम 5 बजे तक चलेगी। जयपुर में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां 20,900 परीक्षार्थी हैं जिन्हें एग्जाम देने के लिए पंजीकृत किया गया है। जयपुर में कुछ सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हुई। देश भर में नीट ऑफलाइन मोड पर होगी। इस परीक्षा के लिए करीब 15.97 लाख से अधिक छात्र छात्राएं बैठेंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते नीट आयोजित करने के लिए एनटीए पूर्ण सावधानी बरत रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत परीक्षा होगी तथा 3 स्तर पर जांच तथा एग्जाम से करीब 2 घंटे पहले प्रवेश देने के साथ अलग से मास्क भी देना होगा। नीट परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई है। साल 2019 में सड़क हादसों समेत देश भर में सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में राजस्थान चौथे नंबर पर रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में होने वाली कुल मौतों में 6.8% मौतें राजस्थान में हुई, जबकि प्रदेश की देश की जनसंख्या में अनुपात 5.9% है। जहां तक बात सड़क दुर्घटनाओं की हो तो राजस्थान में साल 2019 में 10,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें भी राजस्थान चौथे नंबर पर रहा। पिछले साल राजस्थान में विभिन्न हादसों में 28,697 मौतें हुई। साल 2018 की तुलना में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई। वहीं देशभर की बात करें तो साल 2018 की तुलना में 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 2.3% की बढ़ोतरी हुई। साल 2019 में 4,21,104 लोगों की देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित श्री कृष्ण नगरी नाथद्वारा में अब भूपमा माफियों की नजरों से मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। पौराणिक मंदिरों में कुछ लोग कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं कुछ वर्षों से जमे मंदिर पुजारियों को हटवाना चाहते हैं ताकि मंदिर की संपदा को किराए लेकर बैठे लोगों को उसका किराया नहीं देना पड़े। मामला नाथद्वारा के बस स्टैंड पर 50 साल से हनुमान मंदिर का है, जहां भूमि माफियों मंदिर की जमीन का किराया देने के बजाय पुजारी और मंदिर समिति के सदस्यों को धमकाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, इस मामले के सामने आने के बाद भगवान के खजाने पर डाका डालने की नियत से गुंडागर्दी कर रहे हैं भूमि माफियों के खिलाफ। पुजारी और मंदिर कमेटी सदस्यों ने नाथद्वारा एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही मंदिर को कब्जे से बचाने की मांग की है। इस ज्ञापन में बताया गया कि नाथद्वारा के बस स्टैंड पर 50 साल से हनुमान मंदिर बना हुआ है, जिसकी कुछ जमीन पर दुकानें बनाकर किराए पर दी गई थी, लेकिन किराएदार ना तो किराया जमा करवा रहे और ना खाली कर रहे हैं। राजस्थान से मॉनसून के विदा होने पे अभी वक्त है। मॉनसून अपने अंतिम चरण में है, लेकिन मॉनसून की नई परिस्थितियों के कारण यह अगले 10 दिनों तक सक्रिय रहेगा। बीकानेर और जोधपुर संभाग में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। उधर पिछले 3-4 दिनों से बारिश रुक जाने से जयपुर सहित सही शहरों के तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। कम दबाव का क्षेत्र बनने से 15 से फिर से बारिश के आसार है। साथ ही आगामी 1 सप्ताह के दौरान पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में कहीं ना कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना महामारी के केसेस में लगातार
लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विख्यात चिकित्साओं की राय के अनुसार अनलॉक के बाद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे। लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना केसेस में लगातार वृद्धि हो रही है और डर घटता जा रहा है। कोरोना के इस दौरान सावधानी का महत्व क्या है, इसमें जरा सी भी लापरवाही बरतने से क्या परेशानियां हो सकती है, इस बारे में देश के प्रख्यात विशेषज्ञ चिकित्साओं से संवाद होगा। 15 सितंबर सुबह 11:30 पर इस पर चर्चा का सोशल मीडिया माध्यमों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायत स्तर तक लोग कोरोना से बचाव एवं सावधानियों के साथ आमजन द्वारा बरती जा रही लापरवाही के संभावित गंभीर परिणामों से रूबरू हो सके। माय क्यूट बेबी फोटो कॉन्टेस्ट में जयपुर के आगरा रोड स्थित जामडोली के श्रीराम विहार निवासी जयवीर खटाना की 9 माह की पुत्री पूर्वांशी खटाना ने दूसरा स्थान प्राप्त कर जयपुर की ही नहीं राजस्थान का नाम रोशन किया है। जयवीर खटाना ने बताया कि पूर्वांशी खटाना को इस मुकाम तक जिन युवाओं ने पहुंचाया उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया और उनका आभार जताया। भूपेंद्र खटाना ने बताया कि पूर्वांशी खटाना के इस प्रयास से समाज में बेटियों को उचित राह मिलेगी और बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस और मार्गदर्शन भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वोटिंग में राजस्थान सहित आसपास के राज्यों के सैकड़ों युवाओं ने पूर्वशी खटाना को वोट और सपोर्ट किया और युवा समाजसेवी राम हरि खटाना ने बताया कि बेटी पूर्वांशी खटाना ने लॉकडाउन में आयोजित हुए लॉकडाउन ऑनलाइन क्वारंटाइन बेस्ट फोटो इवेंट में भाग लिया जिसमें वह प्रथम स्थान पर रही। सुरेंद्र कैमरी ने बताया कि यह वोटिंग 8 अगस्त से 7 सितंबर लगभग 1 महीने तक चली जिसमें पूर्वांशी खटाना ने 95,952 वोट प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देशभर में आज यानी 13 सितंबर को नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में 15 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। भीड़ में होने जा रही इस परीक्षा में उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस संबंध में हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा आयोजित करने के लिए आयोजित संशोधित स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। इस SOP के तहत परीक्षा का संचालन किया गया। आपको बता दें नीट की परीक्षा को लेकर विपक्ष ने भी छात्रों के साथ दिया और विरोध भी किया, लेकिन फिर भी ना तो परीक्षाओं की तारीख में कोई बदलाव हुआ और ना ही एग्जाम रद्द हुए। तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी और सभी परीक्षार्थियों ने सरकार के दिशा निर्देश अनुसार एग्जाम दिया। विधायकों की बाड़ाबंदी के बाद राजस्थान कांग्रेस में बीते 2 महीनों में सियासत के चेहरे भी बदल दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को से लेकर प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारी बदल दिए गए। अब राजस्थान को चलाने के लिए लीडर्स की नई टीम तैयार है, लेकिन इसकी असली परीक्षा आने वाले पंचायत चुनाव में हो जाएगी। परीक्षा के इसलिए भी होगी क्योंकि सत्ता में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलने की वजह से 2 महीने पहले सचिन पायलट के नेतृत्व में जिस धड़े ने बगावत की थी वह अब भी सरकार से नाराज ही दिख रहा है। ऐसे में चुनावों के वक्त यह नाराजगी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। बाड़ाबंदी के दौरान सचिन पायलट को संगठन व सरकार से हटा हुए कांग्रेस आलाकमान ने उनकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। हरियाणा से तस्करी कर गुजरात भेजी जा रही अवैध शराब की खेप पुलिस ने उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में जब्त कर ली जो एक ट्रक के जरिए भेजी जा रही थी। उदयपुर जिला पुलिस ने जब्त ट्रक से अंग्रेजी शराब के 493 कॉटन बरामद किए जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। खेरवाड़ा थाना अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि कस्बे के टोल नाके आगे मंजारा तिहारे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक चालक ने पुलिस को देख वाहन की गति बढ़ा दी थी जिसका पीछा कर उसे रोका गया। पुलिस के रोकने पर ट्रक ने एक व्यक्ति उतरकर भाग निकला जबकि उसके चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि उक्त शराब हरियाणा से लोड की गई तथा उन्हें गुजरात पहुंचानी थी। गुजरात बॉर्डर में घुसने के बाद उन्हें उस व्यक्ति को कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाने थे जिसे ये शराब सौंपनी थी। साथ ही उसने बताया कि केवल 2 गुना भाड़ा मिलना था, इसके अलावा उन्हें भेजने वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं है। राजस्थान में पिछले दिनों चल रहे सियासी ड्रामे के दौरान बर्खास्त किए गए मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा ने मंत्री की हैसियत से आवंटित टाइप 1 श्रेणी का सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। अब उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का
पायलट खेमे के साथ रहे पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के प्रति मेहरबानी दिखाना भारी पड़ रहा है। जुलाई महीने में मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद भी इन दोनों ने मंत्री की हैसियत से आवंटित टाइप 1 श्रेणी का सरकारी बंगला खाली नहीं किया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इनकी सुरक्षा में भी अब तक किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई। हालांकि सचिन पायलट को इस नियम से छूट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते वे आवंटित आवास पर रह सकते हैं। आपको बता दें, नियमों के अनुसार मंत्री पद जाने के 2 महीने के भीतर मंत्री की हैसियत से आवंटित सरकारी आवास खाली करना होता है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार किसी भी पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को पद से हटने के बाद 2 महीने के अंदर सरकारी सुविधाओं को वापस ले लिया जाता है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ऊपर से दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण दोनों पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सीएमओ स्तर से निर्णय होने के बाद की आवास खाली करवाने के लिए नोटिस दिए जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए अपनो राजस्थान। नमस्कार।